दबंग पड़ोसी घर से लड़की को लेकर हुए फरार, इस्लाम नगर पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। खोजी कैमरा के लिए बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। बदायूं के थाना इस्लाम नगर पुलिस पर आरोप लगाते हुए लड़की का पिता पहुंचा अपर पुलिस महानिरीक्षक के दरबार में। मामला जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के रहने वाले सत्यवीर की 19 वर्षीय पुत्री को पड़ोस के रहने वाले दबंग अंकित और अनिल रात के अंधेरे में उसके घर से डरा धमका कर लेकर हुए फरार, जिसकी शिकायत थाना इस्लाम नगर पुलिस से सत्यवीर ने की थी, जिस पर थाना इस्लाम नगर पुलिस ने दबंग अंकित व अनिल के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और न ही आरोपियों से लड़की को बरामद किया, जिसको लेकर बदायूं के पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से भी सत्यवीर ने फरियाद की, मगर आला अधिकारियों ने भी सत्यवीर की एक न सुनी। तो आज पीड़ित सत्यवीर बरेली पहुंचकर अपर पुलिस महानिरीक्षक को शिकायती पत्र देकर फरियाद की है कि उसकी लड़की को दबंग अंकित और अनिल घर से डरा धमका कर लेकर फरार हो गया। मुकदमा थाना इस्लाम नगर में दर्ज करा दिया, मगर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ित सत्यवीर ने अपर पुलिस महानिरीक्षक से फरियाद की है कि उसकी लड़की को दबंगों के चुंगल से छुड़ाया जाए। आज पीड़ित सत्यवीर ने थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया। क्या नाम है आपका? मेरा सतवीर सिंह नाम है और थाना इस्लाम नगर गाँव रोजैना 4 दिन निवासी हुए। जिला कौन सा? जिला बदायूं, तहसील भिलसी। आज एडीजी साहब के यहाँ आए हैं बरेली, किस संबंध में आए, क्या मामला है? जी, मेरी लड़की एक गांव का अंकित और उसका ममेरा भाई कुंदनपुर का अनिल, वो धमका के डरा के मतलब ले गया। कब ले गया, कितने दिन हो गए? ये ले गया 1 तारीख को। 1 तारीख को? हाँ। पुलिस में आप गए थे? हाँ, पुलिस में 1 तारीख को गए और रात मतलब 31 की शाम को ले गया है वो। 1 और 31 के बीच में? हाँ। पुलिस में मुकदमा लिख दिया आपका? हाँ, पुलिस में मुकदमा लिख दिया। लड़की बरामद हुई? नहीं, वो मतलब हमें समझाने आ जाते हैं, चिंता मत करो, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और कौन समझाने आते हैं? दरोगा जी साहब आते हैं। क्या नाम है दरोगा जी का? चौकी इंचार्ज है हरपाल सिंह और एसओ साहब बच्चू सिंह इस्लाम नगर। अच्छा, क्या समझा देते हैं आपको? कि आप कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है लड़की मिल जाएगी, हम लड़की देने का प्रयास कर रहे हैं, आप परेशान ना हो बस। और हमें ये कार्रवाई नहीं दिख रही कि मुलजिम के पास ये जा भी नहीं रहे हैं, उनके घर पे भी नहीं कह रहे, कोई दबिश नहीं दे रहे और किसी से मतलब कुछ कहा ही नहीं है इन्होंने। हमें केवल हमें ही समझाने आ जाते हैं, नहीं किसी की दबिश दी है, यही कहते हैं कि लोकेशन मिल रही है, लोकेशन मिलेगी, ये बता देंगे, ये बता देंगे। तो हमें पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। इसलिए आप यहाँ बरेली आए? हाँ, यहाँ बरेली आए। साहब से मिल लिए? साहब से मिल लिए। क्या बोले साहब? साहब बोले ठीक है, हम कार्रवाई करवाएंगे और आप चिंता ना करें, संतोषजनक जवाब मिला है इनका। आप इनके बात से खुश हैं? हाँ, उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं हम। वहाँ के लोकल प्रशासन, बदायूं के प्रशासन से आप ना खुश? जी, हम कप्तान साहब के यहाँ भी गए थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, हम 2 दिन में आपको लड़की दिला देंगे और अभी तक हमें कोई रिजल्ट मिला नहीं है, तब परेशान होकर यहाँ आए हैं बरेली। लड़की क्या कोई माल मता भी लेकर गई है साथ? हाँ, माल मता ले गई है। कितना? वो लड़की की माँ को जानकारी है, मतलब मुझे जानकारी नहीं हो पाई है, मैं घर जा ही नहीं रहा हूँ, परेशान हूँ। जो लोग ले गए वो क्या दबंग किस्म के, कैसे लोग हैं? जो ले गए आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं नहीं, ये लोग दबंग प्रकार के, इन्होंने मतलब काफ़ी दिनों से दुश्मनी हमारी और उनकी चल रही है और कई बार झगड़े मतलब उन्होंने किए, हमारे भाई की गोली भी मारी है, आँख खराब हो गई थी, हमारे ताऊ के भी मतलब इन्होंने भाले वाले मारे किए, इन्होंने हमसे कोई इनका मतलब नहीं है और ये हमारी और इनकी पुरानी रंजिश है। रंजिश के चलते लड़की लेके भाग।